जिले में लगे लॉकडाउन के बीच निर्धन बेसहारा लोगों को पेट भर भोजन खिलाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं अपना योगदान दे रही है। इन बेसहारा लोगों के लिए कई समाजसेवी आगे आकर मदद कर अपना फर्ज निभा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इसी के चलते बस स्टैंड परिसर में समाजसेवी और अन्य लोगों ने निःशुल्क भोजन वितरण करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान विधायक जुम्मा सोलंकी, रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष पुरोहित, दीपक अग्रवाल, राजू चावला, राम पाल सहित अनेक समाज सेवी मौजूद थे। इस मौके पर विधायक जुम्मा सोलंकी ने व्हाट्सएप ग्रुप रोटरी क्लब सहित नगर पालिका की भोजन वाहन ले जा रही गाड़ियों को हरी झंडी देकर रवाना किया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जो खरगोन के साथी है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है और खालसा ग्रुप है जो लगातार ये रोटरी क्लब भी जो लगातार कोरोना के संक्रमण काल में तीन दुखियों की लगातार मदद कर रहा है, भोजन के माध्यम से मदद कर रहा है, अन्य मदद भी कर रहा है, तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जहाँ तक सवाल है रेड क्रॉस मध्य प्रदेश सोसाइटी के चेयरमैन का, तो मेरे 3 साल के कार्यकाल 17 मई को समापन हुआ है। तो मैंने जैसे पूर्व में बताया था, मेरे जो सभी खरगोनवासी थे और हम लोग सब साथी जिस प्रकार से सेवा करते थे, तो मैंने प्रयास किया कि वहाँ पर जो भी हम लोग बेहतर से बेहतर कर सकते थे, जितना हम लोगों ने अच्छा करना था हम लोगों ने वहाँ प्रयास किया, कुछ नवाचार भी किए। रोटरी क्लब के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ पर 25 लाख की 3 डायलिसिस मशीन नई एक सौगात दी थी, निःशुल्क भोजनालय का शुरुआत किया था और एक मंदिर की शुरुआत की थी, दवा बैंक की शुरुआत की थी। उसमें कुल मिलाकर जो सेवा का माध्यम है खरगोन से ये मैंने सीखा है और खरगोन का ही नाम वहाँ प्रयास किया है कि खरगोन का नाम मध्य प्रदेश में रहे। और मैं आज सभी मेरे जो साथी हैं उन्होंने जिस प्रकार से ये अभिनंदन किया, स्वागत किया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आभार मानता हूँ। आप सबने देखा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि, भारत रत्न भी थे। इस अवसर पे हमने उनके फोटो पे माल्यार्पण भी किया कांग्रेस कार्यालय में, और ये बस स्टैंड में आके हमारे समाज सेवी एक तो व्हाट्सएप ग्रुप अपना खरगोन व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप इतना फेमस हुआ है और उस ग्रुप के नाम से कोई समाज सेवी, मतलब यूँ कहो कि लाखों में से जो हीरा एक निकल के आया है, उस तरह से समाज सेवी उस ग्रुप से निकल के बाहर आए हैं। एक वो ग्रुप, दूसरा हमारा खालसा की फौज, वो जो हमेशा उनका तो हम देखते ही रहे हैं कि हर बार गरीब को हो या अपने कई आयोजनों में हमेशा आगे आए हैं, और एक हमारा रोटरी क्लब, ये तीनों ने मिल के जिस दिन से ये कोरोना काल का लॉकडाउन शुरू हुआ उसी दिन से गरीबों को, असहाय को, और जो पेशेंट हैं, ग्रसित हैं, उनके परिवार जो ग्रामीण क्षेत्रों से दूर दूर से आए हैं, एक तो उनकी मानसिक रूप से वैसे ही वो तकलीफ में रहते हैं, उन्हें इन सबको भोजन कराना, वास्तव में हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि जो भोजन की सेवा देता है इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता। और खरगोन शहर में ऐसे दानवीर कहो, अपनी त्याग कहो और मन से जो इतनी अच्छी भावना लेकर कर रहे हैं, बहुत तारीफ के काबिल है, क्योंकि जितनी तारीफ की जाए कम। मुझे तो बेहद खुशी हुई कि राजू जी की इस जयंती के अवसर पर मुझे उनके बीच आने का अवसर मिला, और भोजन के लिए जो गाड़ियाँ हमने शुरू करी हैं वो इसी के लिए गई हैं कि असहाय लोगों को खाना मिले, राहत मिले, ताकि वो अपना जो जिस मकसद से खरगोन शहर में इलाज के लिए आए हैं उनको बहुत बड़ा मानसिक रूप से जो तनाव होता है वो भी दूर होता है, कम से कम भोजन की व्यवस्था हमारे लोग, उनको समाज सेवी लोग कर रहे हैं। तो मैं पूरे ग्रुप को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ, इस तरह की सेवाएं करते रहें, और हमारी भी जहाँ जहाँ आवश्यकता लगे आप हमारे को ज़रूर याद करें, हम लोग भी आपके साथ खड़ा रहेंगे। और उन्हें बधाई, और राजीव जी को फिर मैं इस अवसर पर याद करती हूँ, जो एक युवा प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाते हैं। आज का युवा पूरे भारत देश में 65% के लगभग हमारा युवा देश है, और 65% युवा है। युवाओं के लिए जो वैक्सीनेशन चल रहा है, युवाओं को जो वोट देने का अधिकार है, ये सब काम किया हमारे राजीव जी ने, जो एक भविष्यवक्ता थे कि भविष्य में हम लोग किनको आगे लाना चाहिए।
इनसे हम उनको आज भी याद करते हैं और आज उनके प्रति भी मैं उनको नमन करती हूँ, आज उन्हें याद करती हूँ। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।